इमरान अशरफ की बीवी ने पहली बार इमरान अशरफ के बारे में सब कुछ बता दिया। इमरान अशरफ ने किरण को तलाक क्यों दी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। और बताएंगे आपको कि इमरान अशरफ और किरण इशफाक की तलाक क्या साथी अदाकारा की वजह से ही हुई है। तो मुकम्मल तफसील जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शोबिज़ से आने वाली हर नई अपडेट पर वक्त आप तक पहुंच सके। इमरान अशरफ जो कि अपनी ऑफिशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, शोबिज़ में वो बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत सी साथी अदाकाराओं के साथ नज़र आते हैं। उनके बहुत से ड्रामास आजकल सुपरहिट जा रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन हमें ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इमरान अशरफ अपनी पर्सनल लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। इमरान अशरफ जिनको बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझा जाता है उनकी ऑफिशियल लाइफ में भी और उनकी पर्सनल लाइफ में भी, लोग यही समझते हैं कि वो जितने शोबिज़ में सक्सेसफुल हैं, जितने अच्छे शोबिज़ में अदाकारी करते हैं, उतने ही अच्छे वो शोहर और बाप हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इमरान अशरफ और किरण इशफाक में डाइवोर्स हो गई है। किरण इशफाक जो कि इमरान अशरफ की वाइफ हैं, उन्होंने अपना किरण इमरान से नाम बदलकर किरण इशफाक रख लिया है इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और साथ ही अपने अकाउंट से इमरान अशरफ के साथ ली गई सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री में आजकल अदाकार और अदाकाराएँ अपनी डाइवोर्स के हवाले से इसी तरह लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, और किरण इशफाक ने भी लोगों को इसी तरह से इन्फॉर्म किया। उन्होंने अपनी इमरान अशरफ के साथ तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी और वो मुख्तलिफ किस्म की सैडनेस से भरपूर स्टोरीज़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यही बात गर्दिश में है कि इमरान अशरफ का उर्वा हुसैन के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप है। दो तीन ड्रामास एक साथ करने के बाद और दोनों का ये कपल सुपरहिट हो गया है और दोनों बहुत से ड्रामास में एक साथ नज़र आ रहे हैं, तो इस जोड़ी को पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन ये जोड़ी सिर्फ ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं है, कहा जा रहा है कि ये दोनों में रिलेशनशिप भी है और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती से आगे निकल चुके हैं। और यही कहा जा रहा है कि इमरान अशरफ ने उर्वा हुसैन की वजह से ही, साथी अदाकारा की वजह से अपनी बीवी को डाइवोर्स दी है। क्यों है कि किरण इशफाक ये बात गवारा नहीं कर सकी कि उनके उर्वा से काफ़ी ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हों, इस वजह से दोनों के दरमियान डाइवोर्स हुई। इमरान अशरफ ने 4 साल पहले शादी की थी जब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। उनकी शादी उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई और उसके बाद उनके पैदर पे ड्रामास फेमस होने लगे और सुपरहिट ड्रामास आगे पीछे देने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने काफ़ी फेम हासिल कर ली। उनका एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम रोहाम है। लेकिन अब शादी के 4 साल बाद जब वो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर हैं तो उन्होंने अपनी बीवी किरण इशफाक को डाइवोर्स दे दी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? दूसरे अदाकारों की तरह इमरान अशरफ भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर अपनी पर्सनल लाइफ को कायम नहीं रख सके, इस बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।